Assalamualaikum students, how are you all? आज हम लोग चैप्टर नंबर वन का नेक्स्ट टॉपिक मूव करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे. आज मैं आप लोगों को एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटाबेस सिस्टम बनाना सिखाऊंगी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो इट्स अ DBMS एज वेल एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. एप्लीकेशन प्रोग्राम से मुराद ये है कि इसके थ्रू हम फ्रंट एंड बना सकते हैं. फ्रंट एंड मीन्स यूज़र इंटरफेस. जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, मेडिसिन की लेट्स सपोज एक शॉप पे गए हैं और वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जब आप उनसे मेडिसिन मांगते हैं वो मेडिसिन का नेम कंप्यूटर में जाके एंटर करते हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ एंटर कर रहे होते हैं, वो जो फ्रंट एंड उनके सामने आ रहा होता है, जो फ्रंट चीज़, उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं या फ्रंट एंड कहते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू फ्रंट एंड भी बन सकता है और उस फ्रंट एंड को यूज़ करके जब वो मेडिसिन का नेम एंटर करते हैं और फिर मेडिसिन का रिकॉर्ड सामने जहाँ से पिक हो के आता है, सो वो मेडिसिन का रिकॉर्ड जहाँ पड़ा हुआ होता है उसको बैक एंड कहते हैं. बैक एंड जो है वो DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर भी है. मीन्स उससे बैक एंड भी बन सकता है और उससे फ्रंट एंड भी बन सकता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत फिलहाल करवाऊँगी. इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसका पर्पज़ ये है कि आप लोग जो हैं वो DBMS के कॉन्सेप्ट से और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट से, फ्रंट एंड के बैक एंड के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएँ. आप लोगों को पता चल जाए टेबल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी के साथ आप परचेस कर लेते हैं. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी आप लेते हैं तो उसके साथ ही पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी प्रेजेंट होता है. इसके बहुत सारे वर्जन हैं. मेरे कंप्यूटर में जो इस वक्त वर्जन मौजूद है दैट इज़ 2016. जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं तो सामने जो है एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस. आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे सो ये डेटाबेस का नेम पूछ रहा है. लेट्स सपोज मैंने कॉलेज का डेटाबेस बनाना है. कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट डिग्री एफलॉ कॉलेज ने मुझे हायर किया है कि आप हमारे कॉलेज के लिए एक डेटाबेस सिस्टम बनाएं, एक सॉफ्टवेयर बनाएं जिसके थ्रू हम सारे एम्प्लॉयज़ का, सब स्टूडेंट्स का, सब उनके रिजल्ट का रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रख सकें. तो मैं यहाँ पर GDCW FPLOC के नाम से डेटाबेस बनाने लगी हूँ. ये नेम लिखने के बाद मैंने वर्ड क्रिएट पे क्लिक करना है और ये एक्सेस की एनवायरनमेंट मेरे सामने ओपन हो गई है. अगर आप यहाँ पे ऊपर आप लोगों को डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे होंगे, फाइल टैब है, होम टैब है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड्स, टेबल. अच्छा, हम लोग क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं आप लोगों को बैक एंड यानी टेबल्स बनाना सिखाऊंगी जहाँ पे एक्चुअली डाटा पड़ा हुआ होता है, और फ्रंट एंड यानी यूज़र इंटरफेस बनाना सिखाऊंगी जो कि एक्सेस में फॉर्म्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, क्वेरीज के थ्रू बनाया जाता है, जिससे ये होता है कि यूज़र उससे इंटरेक्ट करता है और बैक एंड से टेबल से रिट्रीव होकर उसके सामने डाटा सारा आ जाता है. सबसे पहले हम टेबल्स बनाते हैं यानी बैक एंड बनाते हैं, ठीक है. उसके लिए आप क्रिएट पे क्लिक करें और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करें. यहाँ पे ये एक विंडो ओपन हुई है जिसके कॉलम्स एंड डिफरेंट फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. अब लेट्स सपोज कॉलेज में किस किस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ का रखा जाता है, स्टूडेंट्स का रखा जाता है, हर वो चीज़ जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसका टेबल बनाया जाता है. अब अगर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है तो मैं एम्प्लॉयज़ के नाम का एक टेबल बनाऊंगी और उसमें फील्ड नेम में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूंगी, यानी वो चीज़ें जो कि एम्प्लॉयज़ की के बारे में स्टोर की जाती है, जिनकी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प नेम के नाम से मैं फील्ड का नाम लिख रही हूँ. डेटा टाइप से मुराद ये कि नेम में हम क्या एंटर कर सकते हैं. इसके अगर आप यहाँ साइट पे एक एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो एक पूरी लिस्ट आ जाती है डेटा टाइप्स की, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम. अगर मैं नंबर एंटर करूँगी इसका मतलब ये है कि नेम्स की फील्ड में जो यूज़र है वो सिर्फ नंबर्स 1, 2, 3 एंटर कर सकता है. नेम्स में ऐसा तो नहीं होता ना, तो टेक्स्ट होती है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख लेती हूँ क्योंकि नेम्स बहुत लॉन्ग तो नहीं होते हैं ना,
इसका फील्ड साइज 255 है, यानी 255 कैरेक्टर तक का ही नेम होगा, तो नेम आराम से इसमें आ सकता है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रख रही हूँ। अगला एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, क्या चीज़ उसके बारे में स्टोर की जा सकती है? फोन नंबर। फोन नंबर की जो डेटा टाइप है वो मैं क्या रख लेती हूँ, नंबर। ये जो व्यू पूरा आपको टेबल का नज़र आ रहा है, जिसमें ये कॉलम है, फील्ड नेम, डेटा टाइप, इस व्यू को कहते हैं डिज़ाइन व्यू। हर टेबल के दो व्यूज़ होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक डेटा शीट व्यू होता है। सो इस वक्त मैं इसके डिज़ाइन व्यू में हूँ। अब अगर मैं इसके डेटा शीट व्यू में जाती हूँ, यहाँ टेबल का नेम है ऊपर टेबल टू, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये दो व्यूज़ आ रहे हैं। इस वक्त हम डिज़ाइन व्यू में प्रेजेंट है, मैं इसके डेटा शीट व्यू में जाने लगी हूँ, इस पर क्लिक किया। पहले ये कह रहा है कि टेबल को सेव कर लें, टेबल क्योंकि एम्प्लॉय का है तो मैं इसको एम्प्लॉय के नेम से ही सेव करती हूँ, और ओके कर दिया। देर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, इसकी मैं बाद में डिटेल्स में जाऊँगी, फ़िलहाल मैं इसको नो कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो व्यू सामने आपके आया है, दिस इज़ दी डेटा शीट व्यू ऑफ द सेम टेबल। एम्प्लॉय टेबल बना है, ये इसका डेटा शीट व्यू है, और इसके अगर मैं नेम पे राइट क्लिक करूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाऊँ, तो ये इसका डिज़ाइन है। सो दिस इज़ द डिज़ाइन व्यू ऑफ एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज़ दी डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में आप रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम मैं लिख देती हूँ महविश, और इसका फ़ोन नंबर लिख देती हूँ, दूसरा एम्प्लॉय कौन सा है। इस तरह बहुत सारी फील्ड्स बना सकते हैं, मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल मैंने दो फील्ड्स बनाई हैं, एम्प्लॉय नेम और फ़ोन नंबर। सायरा लिख दें और इसके जो है नंबर कुछ भी लिख दें, अच्छा आयशा लिख दें नंबर जो है वो। अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है फ़ोन नंबर की, हमने डेटा टाइप क्योंकि नंबर सेट की थी, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट डालने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहूँगी, तो अब ये देखें क्या कह रहे हैं, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम। व्हाई इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू एंटर दिस वैल्यू, बिकॉज इस फील्ड की डेटा टाइप मैंने क्या सेट की थी, नंबर सेट की थी, तो ये मुझे एंटर ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, ये होते कॉन्स्ट्रेंट्स, इनको कहा जाता है कि मैंने कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया था इस फील्ड पे कि ये इसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर होगी, ताकि अगर गलती से यूज़र फ़ोन नंबर डालना चाहे, मैं अल्फ़ाबेट डालना डालने लगे, तो फौरन एरर आ जाए, उसको पता चल जाए कि मैं टाइपिंग की मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने गलती से कोई अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया था। सो ये एक मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें मैंने दो फील्ड्स बनाई हैं, आप और फील्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। पहले मुझे ये इसकी वैल्यू ठीक करनी पड़ेगी जो रिकॉर्ड मैंने एंटर किया था। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा, अब ये रिकॉर्ड, तीन रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं। अब एम्प्लॉय के मैं दोबारा डेटा शीट व्यू में जा रही हूँ, सॉरी डिज़ाइन व्यू में जा रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो फील्ड नेम्स और भी ऐड कर सकती हूँ, दो नेम्स, फील्ड नेम्स ऐड की थी, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस इसी तरह कर सकती हूँ, इसकी डेटा टाइप रख सकती हूँ कोई भी, डेट ऑफ हायरिंग हो सकता है कि हायर कब हुआ था ये एम्प्लॉय। ठीक है, इसकी जो है डेटा टाइप डेट रख सकते हैं, डेट एंड नंबर, यहाँ पे डेटा टाइप इसकी डेट नंबर रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि इस फील्ड में सिर्फ आप डेट और टाइम एंटर कर सकते हैं, ना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ना नंबर्स एंटर कर सकते हैं। सो ये एक टेबल बना दिया है एम्प्लॉय नेम का। ठीक है, ये किसके थ्रू बनता है, DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये बैक एंड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप के थ्रू अभी आपने क्या बना लिया, बैक एंड बना लिया है। अब यूज़र को ये टेबल नज़र नहीं आ रहा होता, जिनको आप सॉफ्टवेयर बना के देंगे ना, जैसे मैं कॉलेज ने मुझे कहा है कि सॉफ्टवेयर मुझे हमें बना के दें, मैं उनको जब ये सॉफ्टवेयर बना के दूंगी, ये बैक एंड बनाऊंगी, ये टेबल बनाऊंगी, तो वो इस टेबल को ओपन नहीं कर सकेंगे, उनके लिए मैं फ्रंट एंड बनाऊंगी। फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं पहले क्रिएट पे जाती हूँ और इस फॉर्म पे क्लिक करती हूँ। को पहले डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेते हैं, ये हमने टेबल को सेव कर लिया और फॉर्म पे क्लिक किया। ये देखिए, इसी टेबल का फॉर्म सामने आ गया है, ये रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एम्प्लॉय नेम महविश है, फ़ोन नंबर दिस है, एड्रेस में मैंने कुछ नहीं डाला था क्योंकि मैंने बाद में फील्ड ऐड की थी, डेट ऑफ हायरिंग में भी बाद में मैंने फील्ड ऐड की थी, कुछ भी नहीं डाला था, यही दो चीज़ें टाइप की थी, ये दोनों सामने आ रही हैं। अब ये देखें, ये फ्रंट एंड बन गया है। एक्चुअली
जब मैं सॉफ्टवेयर ये दूंगी कॉलेज में कि यूज़ करें, तो जो क्लर्क या जो भी एंटर कर रहा होगा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, उसको ये फॉर्म नज़र आएगा। अब यहाँ से नीचे जहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आप ये पॉइंटर को देखिए, रिकॉर्ड वन, यहाँ से अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने एंटर किया था वो आ गया, तीसरा रिकॉर्ड एंटर किया था आयशा वो आ गया, चौथा रिकॉर्ड एंटर करना है अगर मैंने, तो मैंने जब 404 आया है तो यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकती हूँ। फॉर्म व्यू के भी दो जो डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन व्यू भी होता है, ठीक है, और दूसरा व्यू है, इसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ के जो हैं वो नेम्स एंटर लेट सपोज करते हैं। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जैसे अली कर देती हूँ, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर मैं लिख देती हूँ 234, एड्रेस लिख देती हूँ रावलपिंडी, डेट ऑफ हायरिंग में ये देखें, इसमें मैंने डेटा टाइप इसकी सेट की थी डेट टाइम, तो ये यहाँ पे कैलेंडर सा बना हुआ आ रहा है राइट साइड पे, यहाँ से मैं इसकी डेट ऑफ हायरिंग सेट करूँगी, लेट सपोज वो 5 मई 2020 है, तो ये देखें 5 मई 2020 यहाँ पे खुद से आ गए। यहाँ पे ना मुझे ये रावलपिंडी या कोई ABC एंटर करने देगा, ना मुझे 1 2 3 4 एंटर 5 6 करने देगा, जब सिर्फ मैं इस फॉर्मेट में एंटर कर सकती हूँ डेट, बिकॉज मैंने इसकी डेटा टाइप जो है वो डेट टाइम सेट की थी। अब जब ये मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिया तो ये एक्चुअली रिकॉर्ड एंटर का हुआ है बैक एंड पे टेबल में एंटर हुआ है। टेबल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे टेबल में आप लोगों को ये रिकॉर्ड नज़र आएगा। इसको सेव नहीं किया, एक सेकेंड, इसको सेव कर लें हम। यस, एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से सेव कर लेते हैं। सो हम लोगों ने ये एम्प्लॉय फॉर्म में जो डाटा एंटर किया है, जब मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड जो हमने एक्चुअली फॉर्म में एंटर किया था, क्योंकि ये फॉर्म टेबल से कनेक्टेड था, फॉर्म इज़ दी फ्रंट एंड एंड टेबल इज़ दी बैक एंड, तो जो मैंने फॉर्म के थ्रू एंटर किया था वो टेबल में आप इसको ये रिकॉर्ड सारा व्यू कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय फॉर्म का टैप है, ये हमारा फ्रंट एंड था जिसके थ्रू यूज़र डाटा एंटर करता है, और बैक एंड पे ये कहाँ सेव हो रहा है रिकॉर्ड, इस टेबल में सेव हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज आप लोगों को मैंने यही थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देने थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेंशन कर दूँ, कॉलम नेम्स को हम फील्ड्स कहते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम फोन नंबर दीज आर द फील्ड्स, और ये जो महविश एंड 2567360 एड्रेस डेट ऑफ हायरिंग, ये पूरा का पूरा जो है दिस वन हाईलाइटेड वन दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉर्ड, यानी रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को हम फील्ड कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, और रिकॉर्ड को हम ट्यूपल भी कहते हैं और इसके अलावा रो भी कहते हैं, ठीक है। सो एक टेबल में कॉलम्स होते हैं जिनको हम फील्ड्स कहते हैं या एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और रोज होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड्स या ट्यूपल कहते हैं। सो आज हम लोगों ने एक कॉलेज का डेटाबेस बनाया, ठीक है, जिसमें हमने फ्रंट एंड बनाया यानी फॉर्म बनाया, बैक एंड बनाया यानी टेबल्स बनाए, ठीक है, टेबल बनाए, इनफैक्ट एक बनाया। इसी तरह जितनी चीज़ों का रिकॉर्ड, जितने ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड कॉलेज में रखा जाता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का रखा जा रहा है, तो स्टूडेंट का टेबल एक और बनेगा, उसके फॉर्म सेपरेट बनेगा, ठीक है, उसके फॉर्म के थ्रू यूजर्स जो हैं वो टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली द लेक्चर। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपने अपने पीसीज या लैपटॉप्स में एक्सेस को इंस्टॉल करेंगे और टेबल्स को और फॉर्म्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।